हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आपका अपना चैनल शेपर्स एजुकेशन। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपका बड़ा भाई सीए मोहित तापरिया। और आज ये वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं जादू। और ये जादू है कि कैसे 90 दिन के अंदर, 90 डेज के अंदर आप अपने मन चाहे परसेंटेज अचीव कर सकते हैं। आप 90-95 कोई भी पर्टिकुलर लेवल तक जा सकते हैं। और ये जादू कैसे होगा वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अब हमें पता है यार, जैसे जैसे बोर्ड एग्जाम्स पास में आ रहे हैं, हमें पता है कि हमारे पास टाइम बहुत ही लिमिटेड बचा है, राइट? नवंबर खत्म होने वाला है, अब हमारे पास गिनती के 3 महीने बचे हैं। इन 3 महीनों के अंदर हम कैसे खुद की प्रेपरेशन को चौथे आसमान पे लेके जाए, वो हम यहाँ पे आज सीखने वाले हैं। सो मैंने आपके लिए एक बहुत ही तरीके से एक फॉर्मेटिव तरीका निकाला है कि किस तरह से आप अपने लेवल को बढ़ा सकते हैं, किस तरह से आप इन 90 दिनों के अंदर मेहनत करके 95% या 90% तक का टारगेट भी अचीव कर सकते हैं। सो मेहनत और शिद्दत भैया आपको करनी है, उसके लिए मास्टर प्लान मैं आपको देने वाला हूं। इस मास्टर प्लान को मैंने अलग अलग लेवल्स, अलग अलग स्टेजेस में बांटा है। मैं चाहूंगा आप मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस बोर्ड एग्जाम की जर्नी के अंदर मैं आपका बहुत इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहने वाला हूँ। आपको मेरी जरूरत बहुत 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 बार पड़ेगी, तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं हमारे मास्टर प्लान की तरफ। मास्टर प्लान में सबसे पहला है हमारा स्टेप नंबर 1, जिसका मैंने नाम दिया है फाइंड योर रियालिटी एंड एक्सेप्ट इट। अपनी सच्चाई ढूंढो और उसे मानो। मतलब आपको ये मानना पड़ेगा, आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल तक है। फालतू खुद को चढ़ा के मत रखो भैया, एक्सेप्ट करके रखो कि तुम्हारी प्रिपरेशन किस तरफ तक है। इसलिए मैंने इस पर्टिकुलर स्टेप के अंदर प्रिपरेशन करने वाले बच्चों को 4 लेवल में बांट के रखा है। सबसे पहले होते हैं फाइटर्स, जो बेचारे आज भी पास होने के लिए फाइट कर रहे हैं, जिनकी आज भी लड़ाई है 40-50 मार्क लाने की 100 में से, तो उन बच्चों को मैंने फाइटर कैटेगरी में डाल रखा है। अगर आप उस कैटेगरी में हो तो आज के बाद आप खुद को फाइटर्स मानेंगे। इसके आगे का वीडियो आपको उस तरीके से ही समझना है, उस तरीके से ही सोचना है। सेकेंड कैटेगरी मैंने बना रखी है, जिनका नाम है ड्रीमर्स। ड्रीमर्स मतलब ये लोग है जो भैया फाइटर्स कैटेगरी के ऊपर है, जो पास तो हो रहे हैं बट वो आज भी अपने मार्क्स को 60-70% के आसपास लेके बैठे हैं, उससे ज्यादा वो अपने मार्क्स को नहीं बढ़ा पा रहे हैं। 60-75 यानी कि आप कह सकते हैं फर्स्ट डिवीजन से डिस्टिंक्शन के बीच में उनकी फाइट चल रही है, तो वो है ड्रीमर्स। ये लोग यार सपने बहुत दिखते, काम उतना नहीं कर पाते, इसलिए मैंने इनको ड्रीमर्स कहा है। तो आपके लिए सजेशन रहेगा, आप सपने कम देखो और काम पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना स्टार्ट करो। तीसरी कैटेगरी है अचीवर्स। ये वो लोग हैं जिन्होंने कुछ अचीव किया है, जिन्होंने मेहनत की है। ये फाइटर्स और ड्रीमर्स का लेवल क्रॉस कर चुके हैं, तीसरे लेवल पे आ गए हैं, जिन्हें हम अचीवर्स कहते हैं, जो 75-85% के बीच में कहीं पे है। और ये लोग अच्छी मेहनत कर रहे हैं, इन लोगों ने कुछ टारगेट अचीव किए हैं, पर आज भी ये अपने सिलेबस के अंदर माहिर नहीं है, अपने क्लास के अंदर टॉप पे नहीं है। इसलिए चौथा कैटेगरी होता है टॉपर्स। भैया इनकी मेहनत रंग ला रही है, ये जितने एफर्ट्स दे रहे हैं उतने एफर्ट्स का इनको सामने रिटर्न्स मिल रहा है। ये अपने क्लास पे पैरामाउंट पे है, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेवल पे बैठे हैं, इन्हें हमने नाम दिया है टॉपर्स। ये होते हैं वो लोग जो 90% या 90% के आसपास के लेवल पे बैठे हैं। सो ये होते हैं टॉपर्स। अब इस वीडियो में आपको सबसे पहला स्टेप रहेगा, आपको अपनी सच्चाई को मानना है। क्या आप फाइटर्स हैं, आप ड्रीमर्स हैं, आप अचीवर्स हैं या आप टॉपर्स हैं? आप सबसे पहले पेपर पे अपना वो नाम लिख लीजिए, जिससे आपको पता रहेगा कि आपका आज का लेवल ये है। इसके बाद में हमारा सेकंड लेवल आता है लेवल अप। इस स्टेप को मैंने नाम दिया है लेवल अप। लेवल अप स्टेप कहता है कि आप जिस भी लेवल पे हो, फाइटर्स पे हो, ड्रीमर्स पे हो, अचीवर्स पे हो या टॉपर पे हो, आपका टारगेट रहेगा आपको एक लेवल आगे बढ़ना है। मतलब अगर आप फाइटर पे हो तो अब आपको ड्रीमर्स तक जाना है, अगर आप ड्रीमर्स पे हो तो आपको जाना है टॉपर्स तक, और अगर आप टॉपर्स पे हो तो भैया आपको जान उधर मेंटेन रहना है, राइट? तो आपका काम रहेगा अपने आप को एक लेवल आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करना, अपने आप को एक लेवल ऊपर ले जाने के लिए कोशिश करना। इसके बाद में आता है हमारा स्टेप नंबर 3। इस स्टेप नंबर 3 को मैंने नाम दिया है माहौल। माहौल क्या होता है भैया? पढ़ने से पहले एक अच्छा सा माहौल क्रिएट करना पड़ता है कि आज हम पढ़ेंगे,
और पढ़ने के लिए माहौल बनाने के लिए कुछ चीजें बहुत जरूरी है। तो मैंने आपके माहौल बनाने के कैटेगरी को 6 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। पॉइंट नंबर 1 है, पढ़ने बैठने से पहले सबसे लूज और सबसे कंफर्टेबल कपड़े पहनिए, जिससे कि आपका ध्यान कपड़ों पे ना होके पढ़ाई पे हो, आप बहुत कंफर्टेबली पढ़ सको। तो पहला काम रहेगा सबसे लूज कंफर्टेबल क्लोथ पहनिए। दूसरा काम रहेगा बेड पे फैल के पढ़ने वाली बेवकूफी मत करिए, टेबल कुर्सी लेके बैठिए, चेयर टेबल लेके बैठिए और टेबल कुर्सी पे आपको पढ़ना है, ध्यान वही रखिएगा। सो आपके पास एक टेबल कुर्सी होनी चाहिए जिस पर बैठ के आप अपने आगे के एग्जाम की तैयारी करेंगे। तीसरा है, प्लीज एसी रूम्स में मत बैठिए, पंखे में बैठिए सबसे बढ़िया है। अगर आपके कमरे में एसी, एसी को बंद रखिए, एसी आपके शरीर में आलस लाता है, एसी आपको बिना मतलब नींद 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 के चक्कर में दौड़ाता है, प्लीज एसी को अवॉइड कीजिए। चौथा है, मोबाइल और मिरर से दूर रहिए। आपके आसपास जब आप पढ़ने बैठे हो तो ना आपके पास मोबाइल होना चाहिए, ना आपके आसपास कांच होना चाहिए। हमें आदत है यार, कांच में देख के बाल बनाते रहेंगे, खुद को संवारते रहेंगे, इन टाइम वेस्ट से आपको बचना पड़ेगा। और घर वालों को पागल बनाना बंद कर दो कि अकाउंट्स तो गाने सुन के किया जाता है, ये सबसे बड़ा स्कैम है। कोई अकाउंट्स गाने सुन के नहीं होता है, अकाउंट्स को कंसंट्रेशन की जरूरत है, आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा। अब आपके पास टाइम नहीं है कि आप लाइटली लीनियंटली ले सके। सो प्लीज मेक श्योर नो मोबाइल्स नो मिरर्स व्हेन यू आर स्टडी। नेक्स्ट वन आपका होता है, हो सके अगर आपकी जगह परमिट करे तो नेचुरल लाइट रखिए। आपको हवा और पानी और लाइट तीनों नेचुरल मिलेगा तो आपका पढ़ाई में ज्यादा मन लगेगा। इसके लिए हो सके तो अपने रूम की विंडो के आसपास बैठिए, बैल्कोनी में पढ़िए, टेरेस पे जाके पढ़िए, आपको ज्यादा अच्छा पढ़ने में मन लगेगा, आप ज्यादा बेहतर कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, ईट लेस ड्रिंक मोर। खाना कम खाइए, पिए ज्यादा, जूस पियो, ड्रिंक पियो, जो भी तरीके का सूप बने घर पे वो पियो। इम्पॉर्टेंट इसका यह है कि अगर आप खाना खाएंगे, हैवी फूड खाएंगे तो शरीर में आलस आएगा, नींद आएगी, लिक्विड डाइट रखिए जब तक हो सके। सो ये है हमारा स्टेप 3 जिसे मैंने कहा था माहौल। अब आता है हमारा स्टेप 4 जिसका मतलब होता है कि भैया पढ़ना कैसे, स्टेजेस टू स्टडी, हम कैसे पढ़ेंगे। तो आपको पढ़ाई के लिए प्रिपरेशन के लिए 3 लेवल पे ध्यान देना है। आपका सबसे प्राइमरी प्रिपरेशन होगा आपकी गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक, आपको अपने टेक्स्ट बुक में से पढ़ना है। जिस दिन आपका टेक्स्ट बुक का काम हो जाए, जो भी आपकी बोर्ड की टेक्स्ट बुक है, सीबीएसई हो तो भैया सीबीएसई बोर्ड की टेक्स्ट बुक, सबसे पहले आप अपनी टेक्स्ट बुक को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए। जैसे आपका टेक्स्ट बुक हो जाता है, उसके बाद में एक आधी रेफरेंस बुक जो आपकी पर्टिकुलर जगह बहुत ज्यादा चलती है, जैसे कि गुजरात बोर्ड में बीएसआर बहुत चलती है, सीबीएसई के अंदर टीएस ग्रेवाल बहुत चलती है, तो जो भी एक रेफरेंस बुक है वो रेफरेंस बुक उठाइए। आपका सेकंड लेवल वो रहेगा। और तीसरा लेवल आपके जब पूरी प्रिपरेशन हो जाए, प्लीज 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 पेपर प्रैक्टिस करने चाहिए, टेस्ट देने चाहिए। आपके कोचिंग में जाइए, आपके स्कूल में टेस्ट दीजिए। जो लोग हमारे आसपास रहते हैं, सूरत में रहते हैं, वो हमारे पास आ सकते हैं। हम स्टेप करके बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं जिसका नाम होता है शेपर्स टेस्ट एंड इवैल्यूएशन प्रोग्राम। उस प्रोग्राम के तहत हम बच्चों के बहुत सारे टेस्ट लेते हैं। तो आपका तीसरा लेवल रहेगा, आपको प्रैक्टिस टेस्ट देने पड़ेंगे, बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट आपको लिखने पड़ेंगे। और इसके बाद का आखिरी स्टेप है व्हाट टू स्टडी, अब हमें क्या पढ़ना है। सो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आपके पास अगर एग्जाम के सिर्फ 90 दिन पेंडिंग है, 60 दिन पेंडिंग है, तो आपका सबसे पहला टारगेट होना चाहिए सॉल्व क्वेश्चंस करिए, यानी कि इलस्ट्रेशंस करिए जिसके आपके पास आंसर्स हो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। वो होने के बाद में आपको सेकंड लेवल पे जाना है जहां पे आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जिसके आपके पास फाइनल आंसर हो। पूरा सॉल्व आंसर होना जरूरी नहीं है, बट फाइनल आंसर होना जरूरी है जिससे आपको तो पता चले कि भैया आपने सही किया है या नहीं किया है। और तीसरा और फाइनल, जब आपका ये सब हो जाए तब ब्लूप्रिंट देखिए, और ब्लूप्रिंट के हिसाब से जो जो चैप्टर्स में से एमसीक्यूज आने वाले हैं, उन चैप्टर्स पे एमसीक्यूज पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया हमारा तीसरा लेवल जिसको हम बोलते हैं व्हाट टू स्टडी। अगर आपने ये सारे लेवल को पार कर दिया, अगर आपने इन सारे डेडिकेशंस के साथ में इन सारी चीजों को ढंग से सुना है, समझा है, तो मैं आपको वादा कर सकता हूं कि आगे की जर्नी में आपकी मेहनत बहुत कम हो जाएगी। अब वो समय आ गया है जहां पे आपको स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है। प्लीज खुद से मत झूठ बोलिए, अपने पेरेंट्स से मत झूठ बोलिए, जब पढ़ो तब सिर्फ पढ़ो
और जब नहीं पढ़ो किताब बंद करके फ्रेश होना हो, आंखें बंद करके सो जाइए, बट अब आपको अगले 90 डेज जी जान से मेहनत करनी है। इस सफर में मैं आपके साथ रहूंगा और आपके लिए लाता रहूंगा एक बहुत 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 अच्छी सीरीज जो जल्द मैं आपके लिए इस चैनल पे लाने वाला हूँ। तो चलिए, अच्छा लगा ये, तो प्लीज जरूर से इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वापस से मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।